स्वागत है आप सबका स्कोर आउट टाउन बाय यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग काफी इंतजार कर रहे थे सर एडमिशन कब स्टार्ट होगा, सर एडमिशन कब स्टार्ट होगा। आज 8 तारीख है और 8 तारीख पे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया है। आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कल से स्टार्ट होने वाला है, बट इसके अंदर काफी अपडेटेड रूल्स आए हैं ड्यू टू कोविड। तो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज कल आपको करना है फॉर्म फिलिंग करने के टाइम, तो आज का वीडियो जो है वो एकदम ध्यान से देखिए और काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो अंत तक पूरा देखिए। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो ये रहा कैप राउंड के लिए डीएससी डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन नोटिस 1 2020, आज का डेट 8/12/2020, ठीक है। तो क्या है एडमिशन नोटिस फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द सेकेंड ईयर फॉर फुल टाइम अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21। अब मेन चीज क्या बोल रहा है, एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है, नो नीड टू हैव टू विजिट पर्सनली फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको पर्सनली कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपका वेरिफिकेशन जो रहेगा एप्लीकेशन का उसको करवाने के लिए, क्यों वो मैं बताऊंगा। तो एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट शैल बी वेरीफाइड एंड कन्फर्म्ड बाय द डिजाइंड ई स्क्रूटिनिटी सेंटर थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। मतलब कोविड है तो कोविड की वजह से ई स्क्रूटिनिटी मोड है वो उसके थ्रू आपको करना है। तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी बताया कि क्या एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्या है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एडमिशन, ठीक है। तो कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, www.mahaceet.org, वहां पे आपको जाना है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि फीस का जो पेमेंट है वो किससे होने वाला है, ओनली क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग, ठीक है। नो अदर मोड ऑफ पेमेंट शैल बी परमिटेड, ठीक है। ऑनलाइन पेमेंट ही होने वाला है, क्लियर। अब जनरल कैटेगरी है उनके लिए 800 रुपीज, जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनको 600। अब मेन चीज, द एक्टिविटीज एंड शेड्यूल डेट्स फॉर महाराष्ट्र स्टेट एंड ऑल इंडिया कैंडिडेट आर एज फॉलोस। मतलब आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ द एप्लीकेशन और उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड करना है बाय द कैंडिडेट फॉर एडमिशन ऑन द वेबसाइट, तो वो डेट कभी है, कल से स्टार्ट हो रहा है 9 December 2020 से लेके 14 December 2020 अप टू 11:59 PM, क्लियर। तो कल से स्टार्ट हो रहा है, मैं आपको गुड लक विश करता हूँ सबसे पहले, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है डेट, इंपॉर्टेंट डेट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन बाय द ऑनलाइन मोड। मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उसको वेरीफाई करवाना है, उसके साथ साथ उसको कन्फर्मेशन भी करवाना है, ठीक है। तो उसका डेट क्या है, फर्स्ट डेट है 9 December 2020 से लेके 15 December 2020, मतलब क्या 14 से एक दिन आगे, क्लियर, ठीक है। अब यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नोट, कैंडिडेट नीड नॉट हैव टू विजिट टू ई स्क्रूटिनिटी सेंटर फॉर वेरिफिकेशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब आपको जो है विजिट करने की जरूरत नहीं है, और क्यों जरूरत नहीं है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट ऑन वेबसाइट। मतलब जो भी पहली लिस्ट लगेगी प्रोविजनल लिस्ट वो कब लगेगी, 17/12/2020, क्लियर। अगर प्रोविजनल लिस्ट में आपका नाम आता है और उसके अंदर कुछ भी करेक्शन आता है, जैसे कि कुछ डेटा रह गया, फिर कुछ अपलोड करना रह गया, तो कुछ भी अगर आपका करेक्शन आता है तो उसको बोलेंगे ग्रेवियंस। तो वो सबमिशन ऑफ ग्रेवियंस कभी करना है आपको, 18 December 2020 से लेके 19 December 2020 अप टू 5 PM, मतलब 5 PM के पहले वो आप कर लो, ठीक है, क्लियर। और फिर क्या लिखा है, द स्टेटस ऑफ द एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ द ग्रेवियंस रेस्ड बाय द कैंडिडेट शैल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन अलॉन्ग विद द लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट। मतलब जो भी आपका स्टेटस रहेगा एक्सेप्टेंस का या फिर रिजेक्शन का, ग्रेवियंस का जो भी रहेगा, तो वो आपको कैंडिडेट के लॉगिन में आपको मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लेटेस्ट रिसिप्ट कम एक्नॉलेजमेंट, क्लियर। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट, डिस्प्ले ऑफ द फाइनल मेरिट लिस्ट। द फाइनल मेरिट लिस्ट कब पब्लिश होगा,
21 December 2020, क्लियर। और उसी दिन पे डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स फॉर कैप राउंड वन, मतलब कौन से कॉलेज में कितने सीट्स है और सीट जो है उसके अंदर कास्ट के लिए कितना है, वो 21 दिसंबर को ही अपलोड हो जाएगा, वेबसाइट पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका कैप राउंड वन कब से स्टार्ट होने वाला है, 22 दिसंबर 2020 से लेकर 24 दिसंबर 2020। तो उसके अंदर हमको ये पीरियड के अंदर हमको क्या कर लेना है, फॉर्म जो है वो ऑनलाइन सबमिट करना है, उसके साथ साथ उसको कन्फर्म भी करना है, ठीक है। और ये कहाँ से आप करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन, ठीक है। तो ये फॉर्म जो है वो कैसे फिल करना है, वो वीडियो आपने अभी तक देखा नहीं होगा तो आप ये वीडियो जरूर देखिए, तो आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। फिर क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड वन, मतलब कैप राउंड वन में किसको कौन से कॉलेज में लगा हुआ है एडमिशन, वो 28 दिसंबर 2020 को पता चल जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेप्टेंस टू द ऑफर्ड सीट बाय द कैंडिडेट थ्रू हीज हर लॉग इन एज पर अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड वन, मतलब क्या हो रहा है कि ये रिजल्ट आ गया, उसके बाद आप जो सीट को एक्सेप्ट करने वाले आपके लॉगिन से कैप राउंड वन का, तो उसका डेट क्या क्या है, 29/12/2020 से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच में वो आपको आपका सीट का कंफर्मेशन कर देना है फॉर कैप राउंड वन। अभी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको खुद से वेरीफाई करना है और उसको डिक्लेरेशन भी आपको भरना है कि एक्सेप्ट करना है कि जो भी मैंने मेरा क्वालिफाइंग मार्क्स, मेरा जेंडर, मेरा कैटेगरी, जो भी मैंने इंफॉर्मेशन भरा है वो सब करेक्ट है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, उसका वो अगर करेक्ट नहीं निकला तो फिर आपको ग्रेवियंस के द्वारा ही लॉगिन करके करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, रिपोर्टिंग टू द अलॉटेड इंस्टीट्यूट एंड कन्फर्मेशन ऑफ द एडमिशन बाय सबमिटिंग द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट ऑफ द फी आफ्टर कैप राउंड वन, मतलब आपको जो भी इंस्टीट्यूट लगा हो वो इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है और उसको कन्फर्म करना है, और उसके साथ साथ जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना है और सबमिट करने के साथ साथ जो भी पेमेंट भरना है वो कैप राउंड के वन के बाद आपको जो करना है। उसका डेट कितना दिया गया, 29 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020। फिर कैप राउंड टू, तो कैप राउंड टू के लिए क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंसी, जो भी कैप राउंड टू के लिए सीट बच जाएंगी तो वो 1 जनवरी 2021 को डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन सबमिशन एंड कन्फर्मेशन ऑफ द ऑप्शन फॉर्म फॉर कैप राउंड टू थ्रू कैंडिडेट लॉग इन बाय द कैंडिडेट, मतलब आपको कैप राउंड टू के लिए सबमिशन फॉर्म भरना है तो वो उसकी क्या है, 2 जनवरी 2021 से लेके 4 जनवरी 2021। फिर ये जो कैप राउंड टू है उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट कभी आएगा, 6 जनवरी 2021, ठीक है। फिर अगेन से आपको जो भी कैप राउंड टू में सीट लगा है उसको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है, तो वो उसका डेट क्या है, 7 जनवरी 2021 से लेके 9 जनवरी 2021, ठीक है। अब उसके बाद आपको वो इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट करना है, और रिपोर्ट करने के बाद आपको जो भी एडमिशन कन्फर्म करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट ऑफ फीस, तो उसका कैप राउंड टू के लिए कितना है, 7 जनवरी से लेके 9th of January 2021, ठीक है, क्लियर। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या दिया गया है, फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूट फॉर वैकेंसी इफ एनी एट इंस्टीट्यूट द रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट विल कंप्लीट द एडमिशन एक्टिविटी इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब कोई भी अगर सीट जो है वो वैकेंट रह जाती है तो इंस्टीट्यूट जो है वो उसके हिसाब से एडमिशन का प्रोसेस चालू करेगा। तो वो कैसे होगा, तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर, मतलब जो भी वैकेंट सीट रहेगा तो वो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आ जाएगा एंड उसके साथ साथ जो भी न्यूज़पेपर रहेगा वो न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइजमेंट दे देंगे। इनवाइट एप्लीकेशंस फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मतलब जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट रहेंगे तो उसको वो लोग एप्लीकेशन इन्वाइट करेंगे। प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन द कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड, तो जो भी डिस्प्ले हो जाएगा तो वो डिस्प्ले कहाँ पे हो जाएगा, कॉलेज के वेबसाइट पे एंड इंस्टीट्यूट के नोटिस बोर्ड पे। फिर कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय द फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल, फिर बाद में आपको जो भी गवर्नमेंट के रूल्स है उसके हिसाब से आपको एडमिशन फॉलो करना है, ठीक है। तो उसके लिए डेट है
10th ऑफ जनवरी 2021 से लेके 14th ऑफ जनवरी 2021। नेक्स्ट क्या है कि एकेडमिक एक्टिविटीज सब इंस्टीट्यूट का कब से चालू होगा, 4th ऑफ जनवरी 2021। फिर इंपॉर्टेंट चीज, कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एडमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, 14th जनवरी 2021। मतलब क्या कट ऑफ डेट फॉर ऑल टाइप ऑफ एडमिशन का मतलब क्या है कि चाहे वो कैप राउंड का सीट हो, चाहे वो मैनेजमेंट का सीट हो, चाहे वो कौन सा भी वैकेंट सीट हो, इस डेट के बाद एडमिशन कोई भी स्टूडेंट का नहीं होगा। तो इसको इसके लिए बोल दे इसको कट ऑफ डेट। तो जो भी आपको एडमिशन लेना है, जैसे भी आपको लेना है, तो इस डेट के पहले आप ले लो। अब इंस्टीट्यूट के लिए लास्ट डेट, फॉर इंस्टीट्यूट लास्ट डेट ऑफ अपलोडिंग द डेटा डिटेल्स ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट वो 15th ऑफ जनवरी 2021 है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि कई बार ऐसा होता है, लास्ट टाइम भी हुआ था कुछ स्टूडेंट के साथ कि जो इंस्टीट्यूट है वो गलती से कुछ स्टूडेंट का रह गया था डेटा अपलोड करना। तो वो आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंस्टीट्यूट में जब भी जाएंगे तो आप सब अपलोड डेटा वगैरह वो लोग कर रहे हैं कि उनको ज़रा टच में रहो और ये डेटा उनके पास फिल करवा के ले लो। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमने देखे। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो कन्फ्यूजन था एडमिशन कब स्टार्ट होगा, वो एडमिशन जो है वो उनको पता चल जाए। एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से फॉर्म भरो एंड डिस्क्रिप्शन में सारे आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।